हे गाइस, मैं हूं संतोष एंड वेलकम टू एसपी के अपडेट्स। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारी फर्स्ट अपडेट के बारे में। सो अभी हम बात करने वाले इलोन मस्क के बारे में। सो इलोन मस्क ने ट्विटर से बहुत ही जल्दी रिजाइन करने वाले हैं। यस, अभी आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था इलोन मस्क ने यहाँ पर काफी सारे टर्म एंड कंडीशंस लेके आए थे जिनकी वजह से उनको काफी ज्यादा हेट वगैरह मिला था। काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई आपको जो सीईओ की जो पोस्ट है ना उसे रिजाइन कर देना चाहिए। देन वहां पर इलोन मस्क ने उसके बाद एक पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर यस या फिर नो में आंसर करो कि मुझे जो सीईओ की पोस्ट है उसे रिजाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 57% लोगों ने यहाँ पर यस को वोट किया था। देन इस चीज के बाद इलोन मस्क ने आज ट्वीट किया, यहां पर लिखा आई विल रिजाइन एज अ सीईओ एज अ सून एज आई फाइंड समवन हु इज इनफ टू टेक द जॉब। आफ्टर दैट आई विल जस्ट रन द सॉफ्टवेयर एंड सर्वर टीम्स। तो समझ में आ गया होगा वो बहुत ही जल्दी रिजाइन करने वाले हैं। कोई ऐसे बंदे को ढूंढ रहे जो कि सीईओ की पोस्ट के लिए सही एंड काबिल बंदा हो। बाकी इस चीज के ऊपर आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सब हम बात करने वाले गौरव जोन के बारे में। सो कल वाली वीडियो में आपको बताया था गौरव जोन का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया था, ठीक है। इसको लेकर कुछ स्टोरीज वगैरह पोस्ट किए थे, अभी शायद उनका चैनल वापस आ गया, ठीक है। देन इसी को लेकर कल जब लाइव आए थे देन वहां पर काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप फेक न्यूज फैला रहे हो, ठीक है, आपका चैनल वगैरह कोई हैक नहीं हुआ, आप जबरदस्ती यहां पर कंट्रोवर्सी कर सिंपैथी ले रहे हो, देन आपके जो सब्सक्राइबर्स वगैरह कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो। देन इस तरीके से काफी उनको कमेंट्स वगैरह आ रहे थे वहां पर, जिसको लेकर ना गौरव जोन अपने जो लाइव आते हैं वहां पर रिप्लाई करते हैं। देन वहां पर और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, वहां पर रील्स जो बनाते हैं उनको लेकर बात करते हैं, सोफिया अंसारी के बारे में कुछ कहते हैं। उस लाइव की कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स में आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। भाई कंप्लीट लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां सब चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। भाई ऐसी कंट्रोवर्सी करके चैनल नहीं उठने वाला। भाई ऐसी कंट्रोवर्सी करनी होती है ना भाई, पहली बात तो एक चीज सुनो, ये यूट्यूब से कंट्रोवर्सी नहीं चलती है, ठीक है। अगर यूट्यूब को पता लग गया ना ये सब फेक है तो लिटरली अकाउंट टर्मिनेट कर देता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं चलो कंट्रोवर्सी करनी है तो मैं बंदे के साथ करूंगा ना भाई, इतना तो दिमाग लगाओ यार। मैं यूट्यूब से और यूट्यूब को ये बोलूंगा भाई तुमने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, और यूट्यूब सिस्टम में डाल के चेक करता है मेरा भाई, एक ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के हाँ कुछ भी बोल दिया, पूरा प्रॉपर चेक करेगा, फिर निकाले हाँ भाई पासवर्ड किसने चेंज करा, कौन सी सिटी से चेंज हुआ है, वो फिर निकाले डाटा रिकवर करेगा, ठीक है, फिर पासवर्ड उससे छीनेगा, फिर हमें लिंक देगा, बहुत सारी चीज होती है। देखो इतना तो मेरे को पता नहीं, और भाई वो बहुत शातिर है भाई यूट्यूब, वो अपने सर्वर के बारे में नहीं पता, वो देखते ही बता दे हाँ लिटरली इस बंदे का चैनल हैक हुआ है कि नहीं हुआ। जब पहले हुआ था तब यूट्यूब ने मेरे को वापस दिया था अकाउंट, अगर मैं ऐसी फेक करता भाई तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर देते, समझ रहे हो, इसमें फेक हुआ कि नहीं भाई। खैर तुम्हारी बात भी सही है, आजकल यूट्यूब पे इतनी गंदगी आ गई है, समझ रहे हो, तो तुम्हें सब फेक ही लगता है। खैर तुम्हारी जगह हमें हमें भी फेक ही लगता है, कोई कुछ कंट्रोल जो मैंने यार आकाश देख कुछ फेक ही चल रहा है, कम से कम उन सब चीजों से तो बढ़िया लगता है मेरे को जो लड़कियां कर रही हैं आजकल, नहीं सोफिया अंसारी जैसी, उनसे तो बढ़िया है भाई, कुछ दीन ईमान है हमारा, है कि नहीं भाई, अपना मेहनत करके घर चला रहे हैं हम, समझ रहे हो, मेहनत करते हैं भाई सुबह से शाम तक, यूनी की लेका चा बादाम बोलो पका बादाम। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सभी हम बात करने वाले अनुराग द्विवेदी सेट। सो अनुराग द्विवेदी क्या है, अभी आपने देखा होगा फैंटेसी एप्लीकेशन जितने भी ड्रीम इलेवन हो गया, एमपीएल हो गया, ठीक है, माई इलेवन सर्कल, इन पे क्या होता है फैंटेसी जब भी क्रिकेट वगैरह चल रहा होता है देन वहां पर अपनी टीम बना के आप लोग अर्न कर सकते हो, मतलब कुछ पैसा वगैरह लगाना होता है देन टीम वगैरह बना के आप पैसा कमा सकते हो। देन जो अनुराग द्विवेदी ने इसका एक्सपर्ट था, ठीक है, वहां पर जितनी भी बार यहाँ पर टीम वगैरह लगता है 1 करोड़ों में अर्न वगैरह करते हैं। यहाँ पर जो 19 दिसंबर को मैच था ना देन यहाँ पर उन्होंने बेटिंग वगैरह की थी, ठीक है, प्रेडिक्शन वगैरह यहाँ पर फैंटेसी में टीम वगैरह बनाई थी, उस दिन उनको 80 लाख रुपए का लॉस हुआ था, पर आप देख ही सकते हो उसको लेकर काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी है, सिर्फ एक दिन के अंदर में 80 लाख का लॉस। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप फैंटेसी ऐप के ऊपर पैसा लगाते हो या फिर नहीं लगाते। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो हम बात करने वाले टॉप 5 मोस्ट लाइक पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो कल वाली वीडियो में आपको बताया था मेसी ने जो एक वाली पोस्ट थी ना उसको क्रॉस कर दिया, मेसी के अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 67 मिलियन लाइक्स उस पोस्ट के ऊपर हो चुके हैं अभी क्या। और टॉप 5 मोस्ट लाइक पोस्ट का अगर आप बात करें तो यहां पर सबसे नंबर 1 पे जो मेसी वाली पोस्ट थी उस पे यहां पर देख सकते हो 67 मिलियन लाइक्स है, देन सेकंड नंबर पे वो एक वाली जिस पे ऑलमोस्ट 56 मिलियन लाइक्स है, एंड थर्ड नंबर पे मेसी वाली पोस्ट यहां पर आप देख सकते हो 44 मिलियन लाइक्स है, फोर्थ नंबर पे वो भी मेसी की पोस्ट यहां पर आप देख सकते हो 38 मिलियन लाइक्स है, इस पे जो पांचवें नंबर पे जो ना मेसी एंड रोनाल्डो की जो फोटो उन्होंने पोस्ट की थी साथ में यहां पर देख सकते हो 32 मिलियन लाइक्स है। तो अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी जो टॉप 5 मोस्ट लाइक पोस्ट है ना इंस्टाग्राम पे वो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें से 4 पोस्ट जो मेसी की है कि भाई ये काफी बड़ा मतलब रिकॉर्ड शेयर कर दिया उन्होंने इंस्टाग्राम का। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सब हम बात करने वाला कैरी मिनाटी से रेट। सो कैरी मिनाटी का कोई सब्सक्राइबर्स जिसने यहां पर ट्वीट किया था इफ कैरी मिनाटी रिप्लाई आई डोनेट 10,000 टू पुअर फैमिलीज, देन कैरी मिनाटी भाई इसका रिप्लाई कर देते हैं, देन भाई आप देखते हैं कि वो 10,000 यहां पर डोनेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सब हम बात करने वाले कोरोना से रिलेटेड। सबको बताओ कोविड-19 2 साल में भाई सबका जीना हराम कर देते हैं, क्या कोरोना वापस से आने वाला है, क्या इंडिया के अंदर में वापस से लॉकडाउन होने वाला। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो ना कुछ यहां पर मतलब कि एनालिसिस वगैरह कर रहे थे, कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे, देन वहां पर फिर से इनको कोरोना की ना कोई
नई डिसीज यहाँ पर है, नया वेरिएंट यहाँ पर सामने आया है। ये जो वेरिएंट है ऑलरेडी चाइना वगैरह अदर कंट्रीज में पहले से आ चुका है, देन इसका जो कुछ सैंपल जो ना इंडिया में भी देखने को मिला है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो वाइप कोरोना की नई वेरियंट आ गए तो फिर से लॉकडाउन हो सकता है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना लॉकडाउन हो सकता है फिर नहीं हो सकता है, कॉमेंट करके जरूर बताओ। बस यही थी अभी की सारी सारी अपडेट, आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लाइक करना, सभी दोस्तों साथ शेयर करना। बस मिलता है अगली वीडियो में।